नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट में लंबू शर्मा को दी गई फांसी की सजा पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को नई सिरे से आरोप का गठन कर सुनवाई कर फैसला देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबू शर्मा के खिलाफ कई अन्य अपराधों में दी गई सजा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि फांसी की सजा देने के पूर्व अन्य केसों में दी गई सजा पर विचार करना अनिवार्य है। बता दें कि कोर्ट ने इस केस के अन्य आरोपितों को दी गई सजा पर फिलहाल किसी तरह का आदेश नहीं दिया है। वहीं लंबू शर्मा के मामले में निचली अदालत से फैसला आने के बाद ही अन्य पर विचार होगा। बुधवार को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने फांसी की सजा को पुष्टि करते सहित आरोपितों की ओर से दायर अपील की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। गौरतलब है कि आरा की निचली अदालत में लंबू शर्मा सहित 6 अन्य को 17 अगस्त 2019 को दोषी करार दिया और 20 अगस्त 2019 को लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि फांसी की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत ने पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट को भेज दिया है। साथ ही हाईकोर्ट को बताया गया कि लंबू शर्मा के कई अन्य मामले में सजा याफ्ता है, लेकिन उसके बारे में विचार किए बिना फांसी की सजा दे दी गई है। 23 जनवरी 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें बम लेकर यूपी की महिला नगीना देवी की मौत हो गई है। कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गए और करीब 20 लोग जख्मी हुए थे। ऐसे वीडियोस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव को।